राजीव गांधी पंचायती राज विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रम्मान्द ठाकुर ने जनजातीय क्षेत्र पांगी का सात दिवसीय दौरा किया इस मौके पर ब्रम्मान्द ठाकुर ने पांगी घाटी की कई पंचायतों में जाकर जनसंवाद किया और वहां की लोगों की समस्याओं को सुना साथ ही उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि कांग्रेस सरकार बनते ही पांगी की समस्याओं को दूर किया जाएगा ब्रह्मानंद ठाकुर ने बताया कि विधानसभा चुनाव के इतिहास में यह पहला मौका था जब पांगी के लोगों ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को बढ़त दी थी उन्होंने कहा कि पांगी के लोग भाजपा को वोट देकर पछता रहे हैं और यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पांगी भाजपा की हार निश्चित है उन्होंने कहा कि पांगी में जितना भी विकास हुआ है वह कांग्रेस सरकार और राजा वीरभद्र सिंह की देन है इस सात दिवसीय दौरे में ब्रह्मानंद ठाकुर के साथ कुलेट पंचायत के पूर्व प्रधान शंकर दास यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र भरमौर श्याम ठाकुर उपस्थित रहे ट्राइबल टुडे टीवी के लिए पांगी से संदीप भारद्वाज की रिपोर्ट